चलिए सबसे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया, संचार जी का यहाँ पे कमेंट आ रहा है, कॉपी और पेन के साथ तैयार हैं हम। बहुत बढ़िया, सबको मालूम है ना क्या साथ लेकर के बैठना है। मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो आपके साथ क्या होना चाहिए, तो वो चीज सबके साथ हो, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कॉपी पेन, बहुत बढ़िया। चलिए, और एक चीज भाई, वीडियो क्लियर है ना? वीडियो क्लियर हो और साउंड प्रॉपर जा रही हो, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यस सर, कमेंट आ रहे हैं, बढ़िया। प्रिंस अतुल, दिलीप, सही है भाई, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाला, पहला टॉपिक जो हमने आपको बताया था कि स्क्रू, ठीक है। पहला टॉपिक आज हम लोग स्क्रू वाला स्टार्ट करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि स्क्रू क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और स्क्रू को जैसे भाई अब स्क्रू हो गया या बोल्ट हो गया तो उसको टाइट या लूज करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, किन किन टूल्स की मदद से हम लोग इसको टाइट या लूज करते हैं, तो सबके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ चीजें, इसलिए मैं आपको बोला था कि कॉपी पेन लेकर के आप बैठेंगे तो इन चीजों को नोट भी कर पाएंगे ना, जो भी पॉइंट उसमें से मेन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आप नोट कर दिया। जैसे आपको थ्योरी खूब लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट, ठीक है। जो आपको जैसे कुछ चीजें तो मैं आपको बताऊंगा जो समझ में आ जाएंगी, और कुछ उसमें का उस टॉपिक का उस हेडिंग का जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको टॉपिक से याद होनी चाहिए उसके बारे में भी इसके साथ में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया स्क्रू। अब स्क्रू को देखिए जरूरत कहां पे पड़ती है। स्क्रू कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है तो अनेक पार्टों से मिलकर बनी होती है। जैसे कोई एक पार्ट सॉलिड, कोई ढलाई किया हुआ पार्ट तो होता नहीं है, जो मशीन होती है तो उसमें कई पार्ट जुड़े होते हैं, अस्थाई पार्ट कह सकते हैं ना, जिन्हें एक तो परमानेंट हो गया भाई, जिसे अलग नहीं कर सकते, और अस्थाई का मतलब क्या हो गया, टेम्प्रोरी, मतलब जिसे अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसी भी मशीन को बनाने के लिए कई वह अस्थाई पार्टों से मिलकर के बनी होती है, और उन पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए स्क्रू का यूज किया जाता है। आई बात समझ में, कि जो हमारी मशीन है वह भाई कई पार्टों से, कोई पार्ट्स को आपस में मिला करके मशीन तैयार किया जाता है, मशीन के ऊपर कई अलग से पार्ट्स लगाए गए होते हैं, तो उन पार्टों को उस मशीन के साथ लगाने के लिए हम लोग स्क्रू का यूज करते हैं। मतलब कह सकते हो किसी भी मशीन में जो अस्थाई पार्ट है उनको असेंबल और डिसेंबल करने के लिए हमें स्क्रू की आवश्यकता पड़ती है। स्क्रू लगा करके असेंबल कर सकते हैं, उसे लूज करके डिसेंबल कर सकते हैं, तो वही चीज हमारी क्या होती है भाई, उसी को हम लोग स्क्रू कहते हैं, ठीक है। स्क्रू के क्या काम क्या होगा, मैंने बताया अस्थाई जोड़, अस्थाई पार्ट है, अस्थाई जोड़ लगाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और दूसरी इसकी पहचान होती है, जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू पे जो थ्रेड बनी होती है वो बोल्ट की अपेक्षा, भाई स्क्रू और बोल्ट दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो बोल्ट की अपेक्षा, बोल्ट हमारा इस टाइप से होता है ना, या बोल्ट होता है तो जो बोल्ट पे हमारी थ्रेड कटी होती है, तो बोल्ट की अपेक्षा जो स्क्रू पे थ्रेड कटा होता है ना वह ज्यादा होता है, ठीक है। और हमारे मशीन जैसे स्क्रू में भी और भी टाइप के जैसे स्क्रू यूज करते हैं, तो मशीन स्क्रू भी होता है। मशीन स्क्रू में क्या होता है, मशीन स्क्रू हमारे कुछ इस टाइप से बनाए जाते हैं कि जिसमें हमें अलग से नट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारा मशीन के बॉडी का पार्ट होगा ना, मशीन के जो बॉडी का पार्ट होगा, डायरेक्ट उस बॉडी के पार्ट में ही होल बना होता है और उसमें थ्रेड कटा होता है, और उस स्क्रू को उस मशीन के बॉडी के पार्ट में ही कस देते हैं, हमें अलग से और उसमें नट लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ चलिए ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा होगा, जो भी क्लासेज में करवा रहा हूँ आपको ऐप के अंदर पीडीएफ मिल जा रहा है ना, दो क्लासेज हुई हैं दोनों का पीडीएफ अपलोड होगा, किसी को पीडीएफ में दिक्कत है क्या है भाई? और जिसको लाइव में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क नहीं सही है उनका, वो लोग बाद में देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड रहता है, लाइव वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा, डिलीट नहीं होता है। आप अपने फिटर सेकंड ईयर के कोर्स में लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, वीडियो आपको मिलेगी, अभी आपको दिक्कत आ रही है बाद में देख लेना, ठीक है। मिलता है ना, बढ़िया है, वेरी गुड। वही ना, कोई यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहा है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ तो यार प्रॉपर क्लास के बाद अपलोड हो जा रहा है, उसमें तो ऐसी दिक्कत नहीं है। जो मैं आपको करवाता हूँ इसी का मैं पीडीएफ बना करके डाल देता हूँ, हालांकि मैंने आप लोगों को पहले दिन भी समझाया था पीडीएफ से यार कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप उन चीजों को अपने हाथों से कॉपी और पेन से नहीं लिखोगे, पीडीएफ का यार पूछना ही बेकार है। हालांकि मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, मैं खुद गलत कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर आप सच में मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ रहे हो, सच में कुछ करना चाहते हो, तो नोट्स को खुद से लिखना। आप यही चीज लिखिए,
आप यही पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ मत रटिए, आप इसी चीज को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हाथों से कॉपी पे लिखिए, अपने पेन से लिखिए। इससे क्या होता है कि जब कोई चीज आप लिखोगे ना तो आधी चीजें तो लिखते समय क्लियर हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। इसमें आपका फायदा है, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं तो यार लिखने के लिए कह रहा हूँ, लिखने के लिए अगर आप मेहनत करोगे बेकार नहीं होगा, उसका अलग फायदा मिलेगा जो आप नोट्स लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यार खुद से आप लोग नोट्स लिखिए, ठीक है, बिल्कुल इसका भी देखिए, नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते रहिए। तो ये चीज समझ में आ गई ना, पोल की तुलना में अधिक चूड़ियां होती है, और इनका यूज मैंने आपको बताया कि कुछ मशीन स्क्रू भी होते हैं जो डायरेक्ट मशीन के पार्ट्स में लगाए जाते हैं, उनको लगाने के लिए हमें मतलब टाइट करने के लिए नट की जरूरत नहीं होती है, मशीन का जो बॉडी का पार्ट होता है उसी में होल करके थ्रेड कटा होता है और वो स्क्रू डायरेक्ट उसमें टाइट हो जाता है। बात करेंगे स्क्रू मटेरियल की, कि जो हमारा स्क्रू है वो कौन कौन से मटेरियल का, कौन कौन से पदार्थ का बना होता है। तो जो हमारे स्क्रू होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस दोनों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? फेरस और नॉन फेरस दोनों के। फेरस नॉन फेरस क्या होता है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं जब हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी तभी मैंने इसके बारे में बताया था, फेरस नॉन फेरस क्या है, यहाँ फिर से बता दूंगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो देखिए फेरस क्या होता है भाई, तो मैंने बताया था फेरस का मतलब लौह, लौह धातु, लौह धातु मतलब ऐसा मेटल, ऐसा धातु जिसमें लोहे की मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, लोहे की मात्रा उपस्थित हो वह फेरस कहलाता है, और नॉन फेरस मतलब जिस धातु में लोहे की मात्रा नहीं हो या ना के बराबर हो, नगण्य हो, कहते हैं ना, तो जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है वो नॉन फेरस, जिसमें लोहे की मात्रा उपस्थित हो वह फेरस मेटल कहलाएगा, लौह धातु कहलाएगा। अब फेरस मेटल में क्या क्या आता है, तो मैंने उसमें आपको मोटी मोटा बताया था कि जैसे पिग आयरन हो गया, आपका कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, स्टील हो गई, ये सब चीजें आपकी फेरस में आती है, लौह धातु में आती है, इसमें लोहे की मात्रा मुख्य रूप से उपस्थित होती है, मेन कंटेंट आयरन होता है। जबकि नॉन फेरस में मैंने बताया था एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या थे, नॉन फेरस थे, इसमें आयरन की मात्रा नगण्य होती है। तो हम लोग स्क्रू मटेरियल की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि जो स्क्रू मटेरियल होता है, जो हमारा स्क्रू होता है, वह किस पदार्थ का बना होता है, वो फेरस और नॉन फेरस दोनों का बना होता है, फेरस और नॉन फेरस दोनों का बना होता है। फेरस में कौन कौन से मटेरियल का बनाया जाता है, तो फेरस में कार्बन स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका किसका? माइल्ड स्टील का, कार्बन स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जबकि यहीं पे नॉन फेरस की बात किया जाए तो आपका तांबा का होगा, एल्युमिनियम का होगा, और ब्रास का होगा, पीतल का होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आप एक बात और ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम में पूछेगा आपसे ना, जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्क्रू किस मटेरियल का बना हुआ है, या ज्यादातर रिविट का पूछ लेता है, स्क्रू हो, बोल्ट हो, रिविट हो, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, स्क्रू हो, बोल्ट हो, रिविट हो, स्क्रू हो गया हमारा, बोल्ट हो या फिर रिविट हो, रिविट हो, ये सब किसके बने होंगे, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में देखने को मिलेगा क्या, माइल्ड स्टील। क्या देखने को मिलेगा भाई? देखने को मिलेगा माइल्ड स्टील। क्या मिलेगा? माइल्ड स्टील। तो आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी सारे भी अगर गलती से बाय चांस ऑप्शन में आ गए तो आपको फोकस किस पे करना है? माइल्ड स्टील पे, माइल्ड स्टील पे, यही मेन आपको एग्जाम में मिलेगा भी। ठीक है, बाकी ऑप्शन में पहले जल्दी साथ में देगा ही नहीं, अगर बाय चांस दे भी दिया तो आप किस पे फोकस करोगे? माइल्ड स्टील। आपका स्क्रू है, बोल्ट है, रिविट है, सबके सब किसके बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील का बनता है। नॉन फेरस में आपका ब्रास, ब्रास का मतलब क्या होता है भाई? ब्रास का मतलब होता है पीतल। क्या होता है? ब्रास का मतलब पीतल होता है। कॉपर का मतलब तांबा होता है। क्या होता है भाई? तांबा होता है। और यह एल्युमिनियम है, जो आप देखे होंगे एल्युमिनियम के तार मिलते हैं ना, कहते हैं ना एल्युमिनियम का चाहिए या कॉपर वाला चाहिए, तो ये चीज हो गया। तो आपको ध्यान देना है किसका भाई? माइल्ड स्टील वाला। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल विकास जी, इसका भी नोट बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका भी नोट बना लीजिए। ठीक है, जैसे आप संचारी सरकार, तो आप देख रहे होंगे यार इसमें मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहा हूं ना, जैसे यार फेरस नॉन फेरस है तो इंग्लिश वर्ड ही हो गया, स्क्रू खुद माइल्ड स्टील है, कार्बन स्टील है, ब्रास है, पीतल, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया। मतलब मैं जितनी मुझे इंग्लिश आती है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, तो लेकिन जितना मतलब टॉपिक में, मतलब जो आपके क्लासेज में या कह लीजिए जो आपके टॉपिक में वर्ड्स हैं ऐसे, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश ही ठीक लगता है, तो मैं इंग्लिश ही बता रहा हूं ना, हिंदी भी लिख दे रहा हूं कुछ लोगों के लिए, तो दोनों चीजें ऐसा नहीं है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला है क्या? टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू के प्रकार, कौन कौन से स्क्रू होते हैं। पहले हमने देख लिया कि स्क्रू क्या चीज है, फिर हमने देखा कि स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है, दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद बारी किसकी आई भाई कि टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू कितने प्रकार का है। तो हमारे स्क्रू कई प्रकार के होते हैं, आप देख रहे होंगे हेड स्क्रू,
ठीक है, सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, थंब स्क्रू है आपका, सेल्फ टाइपिंग है, हैमर ड्राइव है, कॉलर स्क्रू है, शोल्डर स्क्रू है, या 8 टाइप का मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कौन कौन सा फिर से एक बार देख लेते हैं, हेड स्क्रू, सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू। देखिए ये जो सेट स्क्रू और ग्रब स्क्रू है ना, ये दोनों लगभग एक ही टाइप का, बस फर्क है कि जो सेट स्क्रू होता है थोड़ा भारी कामों के लिए यूज किया जाता है, ग्रब स्क्रू थोड़ा हल्के कामों के लिए। लेकिन कई बार आपके एग्जाम में जब ये टॉपिक आता है ना, फिगर दे देगा किसका, सेट स्क्रू वाला, और ऑप्शन दे देगा ग्रब स्क्रू वाला। सेट स्क्रू ऑप्शन में नहीं होगा, फिगर सेट स्क्रू रहेगा, ऑप्शन में ग्रब स्क्रू रहेगा, तो हमें ग्रब स्क्रू ही सही करना पड़ता है। मतलब आप कह सकते हो कि सेट स्क्रू ग्रब स्क्रू लगभग एक ही चीज है, भले ही मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखी है। ठीक है, सेल्फ टाइपिंग स्क्रू हो गया भाई, और आपका हैमर ड्राइव और कॉलर और शोल्डर स्क्रू। तो पहला स्टार्ट करते हैं हेड स्क्रू से। हेड स्क्रू नाम से पता चल रहा है भाई, हेड स्क्रू क्या मतलब, इस स्क्रू में हेड होगा। हेड स्क्रू मतलब हेड होगा, कैसा हेड होगा, तो बोल्ट के समान हेड होगा। बोल्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो जो बोल्ट होता है ना, बोल्ट के समान इसमें हेड होगा आपका। क्या होगा, जो हमारे बोल्ट होते हैं, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि नट बोल्ट में आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारा बोल्ट होता है। तो जैसे बोल्ट का हेड कैसे होता है, बोल्ट का हेड आपका स्क्वायर भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है ना, तो बोल्ट के समान इसमें भी हेड होता है, किसमें, हेड स्क्रू में। तो बोल्ट के समान हेड होगा, और वह हेड आपका स्क्वायर भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है, तो ये हमारा हेड स्क्रू में आता है। आई बात समझ में, मैंने आपको बताया था कि बोल्ट होता है और क्या होता है हमारे पास, और जो गोल वाला होता है उसे नट कहते हैं। दोनों को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि बोल्ट, जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, छोटे वाले के बोल्ट बड़े को नट समझ लेते हैं, किसको क्या कहें। तो याद करने का तरीका है कि भाई बोल्ट, बोल्ट में है कितने, 4 अक्षर, और नट, नट में है कितने, 3 अक्षर। तो छोटा कौन है, तो जो नट में 3 अक्षर है तो ये छोटा है, तो छोटा वाला पार्ट नट कहलाएगा। बोल्ट में 4 अक्षर बड़ा है, तो बड़ा वाला पार्ट बोल्ट कहलाएगा। ऐसे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही भाई, 4 वर्ड और 3 वर्ड मैंने तरीका आप लोगों को बताया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो से आप नोट्स बना रहे हुए, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी क्या आवाज में प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे कोई कमलेश जी हैं कह रहे हैं सर जी आवाज कट के आ रही है, आवाज में कुछ दिक्कत है क्या? आवाज क्लियर है? अच्छा, कभी कभी कट हो रहा, चलिए देखता हूं मैं इस चीज को। ठीक है ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हो सकता है नेटवर्क वगैरह में भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स लिखने में जैसे आप बाद में भी नोट्स लिख सकते हो क्लास के साथ में, आप एक बार क्लासेस देख लीजिए उसके बाद नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्लासेस देखते हुए चलिए, इसके बाद नोट्स बना लीजिए, साथ में मत लिखिए, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है भाई स्क्रू के टाइप में, तीसरा ऑप्शन जो है ग्रब स्क्रू है। अभी मैं आगे बताऊंगा, सबको डिटेल में बताऊंगा, इनका फिगर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी ऐसा नहीं कि ऐसे मैं निपटा दूंगा, अभी तो आप नाम देख रहे हो ना, अभी मैं इसका आपको आगे फिगर भी दिखाऊंगा, ठीक है, सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, पहला जो हेड स्क्रू था कि हेड स्क्रू क्या होता है भाई, तो हेड स्क्रू जो होता है इसमें बोल्ट के समान हेड बना होता है, और इसमें जो जैसे भाई हेड तो बना हुआ, अब उसको टाइट या लूज कैसे करेंगे, तो जो बोल्ट के समान हेड बना होता है ना, उसमें पेचकस लगाने के लिए स्लॉट कटा होता है। जो हमारा हेड स्क्रू होगा उसमें पेचकस लगाने के लिए स्लॉट कटा होगा, जो हमारा हेड बना होगा ना, तो हेड में क्या होगा, ऐसे स्लॉट कटा गया होगा, इस स्लॉट में हम लोग पेचकस को लगा करके, पेचकस का मतलब स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर या पेचकस, नाम से पता चल रहा है ना, स्क्रू ड्राइवर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पेचकस। देखिए पेच, पेचकस मतलब पेच को कसने वाला, स्क्रू ड्राइवर का हिंदी यही होता है ना, पेचकस कहते हैं, तो पेचकस मतलब पेच को कसने वाला। तो पेच को कसने के लिए हमें क्या दिया होता है, इसमें यह स्लॉट कटा होता है जिसे कस सकते हैं, या फिर कुछ हमारे हेड स्क्रू होते हैं जिसमें स्लॉट नहीं कटा होता है, वह हेक्सागोनल हेड आकृति का होगा या स्क्वायर हेड आकृति का होगा, तो उसको हम लोग स्पाइनर की मदद से टाइट या लूज करेंगे। किसकी मदद से, अगर वही हमारा स्लॉट कैसा हो, मतलब पेचकस लगाने के लिए स्लॉट ना कटा हो, पेचकस लगाने के लिए स्लॉट ना कटा हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में हो सकता है कि जो हमारा हेड स्क्रू होगा वो हेक्सागोनल होगा, कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्पाइनर की मदद से, किसकी मदद से,
इस पैनल की मदद से टाइट या लूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। और यह जो हमारा हेड स्क्रू होता है ना, यह दो टाइप में डिवाइड किया गया, दो प्रकार में इसको, दो भागों में इसको बांटा गया हेड स्क्रू को। कौन कौन से में? एक होता है हैवी ड्यूटी असेंबली में यूज होने वाला स्क्रू, और एक होता है लाइट ड्यूटी। मतलब हैवी ड्यूटी भारी कामों में, जहां पे हैवी ड्यूटी वर्क हो, भारी कार्य हो, वहां पे हम लोग जो स्क्रू यूज करते हैं उसको हैवी ड्यूटी वाले में रख दिया गया, और जो हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है उसे लाइट ड्यूटी वाले में रख दिया गया। अभी मैं आगे बताऊंगा, आसानी से याद भी रहेगा, भूलोगे नहीं आप। और इसको एग्जाम में कई बार पूछा भी है, एक ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता भी है। आपको क्या करेगा, आपको चार ऑप्शन दे देगा, हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी वाले उसमें ऑप्शन में नाम रहेंगे, पूछेगा इनमें से कौन। तीन पता चला, लाइट ड्यूटी का नाम दे दिया, लाइट ड्यूटी स्क्रू का, और एक हैवी ड्यूटी वाले का नाम दे दिया। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा हैवी ड्यूटी स्क्रू है, कौन सा हैवी ड्यूटी वाला असेंबली वाला स्क्रू है। तो आपको उसमें से पता होना चाहिए कि कौन सा लाइट ड्यूटी में आता है, कौन सा हैवी ड्यूटी में, तभी सही कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखेंगे इस चीज को। देखिए, हेड स्क्रू मैंने बताया ना, हैवी ड्यूटी वाला हेड स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली, भारी कार्यों में के लिए असेंबली में, भारी कामों के असेंबली में जो हेड स्क्रू यूज किया जाता है वह कौन कौन सा है। ठीक है, नाम आप देख रहे होंगे, पहला क्या है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू हो गया आपका। फिर होता है हेक्सागोनल सॉकेट कैप हेड स्क्रू, क्या होता है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। उसके बाद आपका स्क्वायर हेड स्क्रू है और काउंटर संक हेड स्क्रू है, चार स्क्रू है हैवी वाले में। तो मान लीजिए आपको लाइट वाला नहीं याद है, तो सिर्फ हैवी वाला ही चारों याद कर लीजिए, तब भी काम बन जाएगा। एक याद रहेगा तो दूसरा आसानी से आप पहचान जाओगे ना, कभी भी पूछेगा क्वेश्चन तो आप आसानी से पहचान जाओगे। एक मान लीजिए हैवी ड्यूटी वाला याद है, लाइट ड्यूटी आपको नहीं भी याद रहेगा, हैवी ड्यूटी पता रहेगा तो उसमें से आराम से लाइट ड्यूटी वाला छाट लोगे आप। तो हैवी ड्यूटी वाला कैसे याद रहेगा, तो ध्यान दीजिए, हेक्सागोनल या स्क्वायर दोनों नाम जहां पे आएगा हैवी ड्यूटी, कैसे याद होगा, हेक्सागोनल या स्क्वायर। तो आप जनरली आप जो नट देखते हैं या दिमाग में बैठा लीजिए कि जो नट सिंपली आपने जो बोल्ट देख रखा है वह हैवी वाले में आता है। तो हमने जनरली कौन सा देखते हैं, हेक्सागोनल वाला। देखिए हेक्सागोनल मतलब क्या, एक दो तीन चार पांच छह फलक है तो हेक्सागोनल। तो ये वाला बोल्ट आप ज्यादातर देखे होंगे ना, तो जो बोल्ट आप ज्यादातर देखे वो हैवी वाले में हेक्सागोनल। अभी इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको, ये देखिए स्क्वायर, एक दो तीन चार स्क्वायर हेड वाला भी देखे होंगे, तो स्क्वायर हेड हेक्सागोनल दोनों किसमें, हैवी ड्यूटी में है, प्लस हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। देखिए यह हेक्सागोनल सॉकेट कैप स्क्रू, इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच छह भुजाएं हैं, बस फर्क क्या है, उसमें बाहर की तरफ था, इसमें बाहर से राउंड है, इसमें अंदर गहराई में हेक्सागोनल बना हुआ है, और इसको खोलने के लिए एलन की यूज किया जाता है। ठीक है, तो हेक्सागोनल पहले वाले में भी नाम आ गया, हेक्सागोनल हेड स्क्रू या फिर हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, दोनों में हेक्सागोनल आ रहा है, तो हेक्सागोनल वाला दोनों में आया नाम, और स्क्वायर हेड स्क्रू तीनों हैवी ड्यूटी में हो गया। और एक और आपको ध्यान रखना है, काउंटर संक हेड स्क्रू, कौन सा भाई, काउंटर संक हेड स्क्रू। ये चार हेड स्क्रू हमारे जो है हेड वाले, ये किसमें आते हैं, हैवी ड्यूटी में आते है। बिल्कुल सही, यहाँ पे अंकित जी बता रहे कि भाई हैंडपंप में हेक्सागोनल हेड स्क्रू लगा होता है। हैंडपंप में ज्यादातर जगहों पे आपके जो कपलिंग वगैरह होते हैं, जुड़े होते हैं, वहां पर भी हमारा हेक्सागोनल, मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई अगर नट है तो हेक्सागोनल ही है। ठीक है, बिल्कुल कोई बात, क्लास के बाद नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, पहले देख लीजिए फिर, क्योंकि अब 7 मिनट्स बनाने में पीछे हो जाएंगे, पहले क्लासेस देख लीजिए, क्लासेस खत्म होने के बाद दोबारा से वीडियो चला करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहले बात कर रहे थे किसका भाई, जो हैवी ड्यूटी वाले में थे उसमें पहला हेक्सागोनल हेड स्क्रू की बात कर रहे थे। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं, तो जब हमारा इसका हेड क्या होगा, कहीं भी दो पार्ट होंगे, मशीन का यह एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट यह हो गया, दोनों पार्टों में यहाँ होल बना हुआ है, दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए हम जब यह नट यूज करेंगे तो इसका हेड कहाँ ऊपर आ जाएगा, इसका हेड ऊपर निकल जाएगा, तो यह बाधा उत्पन्न करेगा, टकराएगा। तो हम लोग हेक्सागोनल हेड स्क्रू वही यूज करते हैं जहां पर जब उसका हेड बाहर निकल जाए तो उससे हमें कोई परेशानी ना हो, जो हमारे दो पार्ट जोड़े जा रहे हैं उनके सरफेस पे अगर बाहर को हेड उभरा हुआ निकल जाए तो उससे हमें कोई दिक्कत ना हो, ऐसी जगहों पर हेक्सागोनल हेड स्क्रू यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर, जहां पर क्या हो पार्ट के बाहर निकल जाए। और वहीं पर बात किया जाए हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, किसका, हेक्सागोनल है, सॉकेट हेड कहते हैं क्योंकि गहराई में बनाया जाता है। ठीक है, तो सॉकेट हेड बोला जाता है, तो हेक्सागोनल ये लेकिन सॉकेट हेड कैप स्क्रू है,
आई बात समझ में। और इसे एलन स्क्रू भी बोल देते हैं। एलन स्क्रू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको टाइट या लूज करने के लिए, देखिए ये जो हेक्सागोनल होता है इसको टाइट या लूज करने के लिए स्पैनर लगेगा, लेकिन हेक्सागोनल सॉकेट वाले को अब इसको गहराई में है तो इसको कैसे टाइट या लूज करेंगे, तो इसके लिए अलग से की बनाई जाती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलन की के नाम से। किसके नाम से जानते हैं भाई? एलन की। क्या है हमारा यह? एलन की है। उसमें भी हेक्सागोनल आकृति है तो इसमें भी हेक्सागोनल होगा तभी तो खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह भाग है, बिल्कुल सही हेक्सागोनल। अब यह वाला हिस्सा क्या होगा? इसके अंदर चला जाएगा और इसको हम आसानी से घुमा घुमा करके क्या करेंगे, इस जो हमारा यह स्क्रू है इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। तो चूंकि यह जो हमारा स्क्रू है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, इस स्क्रू को खोलने के लिए एलन की का यूज किया जाता है, इसीलिए इस स्क्रू को कभी कभी एलन स्क्रू भी बोल दिया जाता है। मैंने वहां लिखा हुआ एलन स्क्रू, इसलिए इस स्क्रू को कभी क्या करते हैं भाई, एलन स्क्रू भी बोल देते हैं। और हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और इस एलन स्क्रू का देखिए इसको कहां हम लोग करेंगे, तो इसको जो है यह जो होगा ना यह बॉडी पार्ट के अंदर चला जाता है, उसमें तो सतह के बाहर निकल रहा था, यह तब यूज करेंगे जहां पे हमें सरफेस के बाहर बोल्ट का हेड नहीं चाहिए, या कह लीजिए सरफेस के बाहर जो बोल्ट का हेड उभर के आ रहा था उससे अगर हमें बचना हो, हमें उसकी जरूरत ना हो, हेड्स को छिपाना हो, सरफेस बिल्कुल प्लेन चाहिए, बोल्ट का हेड वहां पे ना दिखे, प्लेन चाहिए, तो ऐसी जगहों पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसका हेड छिप जाए उसके लिए क्या करना पड़ता है, काउंटर बोरिंग, मतलब इस स्क्रू को लगाने के लिए, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर बोरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काउंटर बोरिंग, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। काउंटर बोरिंग क्या होता है अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। काउंटर बोरिंग क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पार्ट था आपका, कोई पार्ट था यहाँ पे, इसमें होल किया गया है, इसमें नॉर्मल होल कर दिया आपने, तो इसको ड्रिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें ड्रिल किया गया, ड्रिलिंग किया गया है, ठीक है। पर इसी होल को एक निश्चित गहराई तक बढ़ा दिया जाए, एक निश्चित गहराई तक इस होल के डाया को बड़ा कर दिया जाए, समझ रहे हैं? अब हमने क्या किया, यह ऊपर वाला होल कुछ दूरी तक इतना बड़ा इसका डाया कर दिया, नीचे वाला तो डाया कम में रह गया, लेकिन ऊपर वाला डाया हमने बढ़ा दिया। तो एक ड्रिल किया गया होल, किसी होल के एक निश्चित गहराई तक उस होल के डाया को बड़ा कर दिया जाए, तो उसी को काउंटर बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर बोरिंग। अब क्या होगा, यह जो हमारा हेड है इसका, यह क्या होगा, पहले यह बाहर निकलता, मान लीजिए हम किसी पार्ट में लगा रहे होते, पहले यह क्या होता, यहाँ पे बाहर निकलता, अब उसका हेड यहाँ इसके अंदर आ जाएगा। हेड कहाँ होगा? इसके अंदर आ जाएगा, और अंदर तो यह पार्ट के ऊपर इसका हेड बाहर नहीं दिखाई देगा। यह आपके लेथ मशीन पर भी लगी होती है, लेथ मशीन पर देखेंगे ना तो यह वाला आपका एलन वाला लगा होता है लेथ मशीन में, ठीक है। उसका जो चक होता है, लेथ मशीन का जो चक होता है ना, चक जो हमारा हेड स्टॉक में टाइट किया गया है, वहां पे देखेंगे तो एलन स्क्रू लगा होता है। कोई पूछ रहा था अभी, तो वहां पे एलन स्क्रू लगा होता है। तो इसका क्या हुआ भाई, इसका हेड सरफेस के अंदर छिप जाएगा, जबकि इस वाले का हेड सरफेस के ऊपर रह रहा था, छिप नहीं रहा था, और इसका हेड सरफेस के अंदर छिप जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काउंटर संक हेड स्क्रू, यह भी स्पेशली इसीलिए यूज किया जाता है हेड को छिपाने के लिए, काउंटर संक वाला, क्योंकि मैंने अभी बताया ना काउंटर बोरिंग, बस काउंटर बोरिंग में क्या था, पूरा सीधा हमारे होल के डाया को बढ़ाया गया था, और काउंटर संक वाले में क्या होता, जो होल का ऊपरी डाया तो वी आकृति में बड़ा कर दिया जाता है, होल का ऊपरी जो हिस्सा होता है कुछ गहराई तो वी आकृति में बड़ा कर दिया जाता है, उसको हम लोग काउंटर सिंकिंग कहते हैं, और उसमें जो हमारा स्क्रू यूज किया जाता है उसको काउंटर संक हेड स्क्रू बोलते हैं। इसको भी इसीलिए यूज करते हैं जब हमें हेड को छिपाना हो, सरफेस के ऊपर ना लाना हो, वहां पर ही यूज किया जाता है काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है। तो यह फिगर जो आपको दिख रहा है इसकी आकृति कैसी है भाई, यहाँ देख रहे ना आकृति ऊपर कैसी, शंकुआकार। अगर मैं यहाँ पे खींच दूं ये लाइन ऐसे ऐसे, तो आकृति कैसी बन जा रही, शंकु के आकार की नहीं बन जा रही, शंकु आकार कोनिकल। तो इसकी आकृति कैसी होती है, इसका जो हेड होता है वो शंकु आकार आकृति का होता है, ठीक है। यूज कहाँ होता है, काउंटर संक होल में। मैंने बताया कि अगर किसी पार्ट में हमारा होल बना हुआ है, पहले नॉर्मल होल है, ठीक है, और इस होल को ऊपरी हिस्सा में कुछ आकृति क्या वी आकृति में होल के डाया को ऐसे बना दिया जाए, तो यह काउंटर संक होल कहलाता है। क्या कहलाता है? काउंटर संक होल। जबकि मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर किसी पार्ट में होल किया गया है इस तरह से, और इसके होल को बराबर मात्रा में ना इस तरह से इसके होल के डाया को इनलार्ज कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए एक निश्चित गहराई तक, तो काउंटर बोरिंग, और जब वी आकृति में बड़ा कर दिया जाए तो काउंटर सिंकिंग। क्या कहलाएगा भाई? काउंटर सिंकिंग। और इसी में यूज किया जाएगा काउंटर सिंक हेड वाला स्क्रू। देखिए यह भी ऐसे टेपर में, तो यह वाला हेड क्या होगा, इसके अंदर आकर के, यह भी शंकुआकार और यह भी शंकुआकार, इसके अंदर आकर के बैठ जाएगा और हेड इसके अंदर छिप जाएगा, बाहर दिखाई नहीं देगा, तो यह काउंटर सिंक वाला होता है। और इसमें देख रहे हैं इसमें स्लॉट भी कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ ना, स्लॉट कटा रहेगा तो आसानी से इसमें क्या स्क्रू ड्राइवर लग जाएगा, तो स्क्रू ड्राइवर को लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइट या लूज कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ तो स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल आसानी से जो पेचकस होता है स्क्रू ड्राइवर इसमें यूज किया जा सकता है। चलिए अगला जो है यहाँ पे हमारा हैवी ड्यूटी में यूज होने वाला है स्क्वायर हेड स्क्रू। कौन सा है भाई? स्क्वायर हेड स्क्रू। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रू है और इसमें हेड बना हुआ। कैसा हेड है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का क्या मतलब होता है? वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? वर्ग होता है। तो मतलब इसका हेड कैसा होना चाहिए? वर्ग के जैसा होना चाहिए। है क्या? वर्ग मतलब जिसमें चार भुजाएं हो। क्या हो? चार भुजाएं हो और बराबर हो। तो वैसे ही देखिए इसमें भी एक दो तीन चार कितने हो गए। इस स्क्रू में हेड की चार भुजाएं हैं, चार फलक है, तो स्क्वायर हेड स्क्रू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर हेड स्क्रू कहलाएगा। और इस स्क्रू को हम लोग वहां यूज करते हैं जहां जो हमारा पार्ट असेंबल किया गया है उस असेंबली को बार बार हमें क्या करना हो? हटाना हो और फिट करना हो। जब उस असेंबली को बार बार हटाना होता है और फिट करना होता है तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि इस जो हमारा स्क्वायर वाला होता है ना, इसको हेक्सागोनल के पचास स्क्वायर वाले बोल्ट को या स्क्रू को खोलना और टाइट करना आसान होता है। उसके अपेक्षा जल्दी इसको खोला जा सकता है और टाइट किया जा सकता है। इसको भी आप लोग देखे हैं लेस मशीन में, किसी को याद है क्या? बहुत बढ़िया, किसी का कमेंट भी आ चुका है कि लेस की टूल पोस्ट में लगा होता है। अंकित आनंद जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये चीज मैं पूछने वाला था कि ये कहाँ पे लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो लेस मशीन होता है, लेस मशीन का जो टूल पोस्ट होता है उस टूल पोस्ट पे कटिंग टूल को पकड़ने के लिए स्क्वायर हेड लगा होता है। लगा होता है ना? बिल्कुल सही। इजी टू रिमूव और असेंबल, मतलब आसानी से रिमूव करने के लिए असेंबल, या कह सकते हैं असेंबल या डिसेंबल करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं भाई। हमारा क्या हो गया? पहले हमने पढ़ लिया क्या? हैवी ड्यूटी वाला। हैवी ड्यूटी वाले कौन थे? चार प्रकार के थे। चारों हमने देखा कौन कौन था। हेक्सागोनल हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट कैप हेड स्क्रू जिसे हम लोग एलन स्क्रू भी कहते हैं, काउंटर संक हेड स्क्रू और स्क्वायर हेड स्क्रू। इसलिए मैं बोला था कि अगर मान लीजिए आपको हेक्सागोनल सॉरी हैवी ड्यूटी वाला थोड़ा याद करने का तरीका, तो आप ये याद रखना कि जो बोल्ट हम लोग ज्यादातर देखे हैं वो वाला किसमें आता है? वो वाला हमारा हैवी ड्यूटी में आता है। तो जैसे हेक्सागोनल दो बार हो गया और एक स्क्वायर हो गया, या हेक्सागोनल स्क्वायर वाला हम लोगों ने देख रखा है तो हैवी ड्यूटी वाले में आएगा जो हमने जनरली देख रखा है। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो गया। चारों टाइप का अगर हमें याद रहे कि हैवी ड्यूटी में हमारे चार टाइप के कौन कौन से स्क्रू है, अगर उन चारों का नाम आपको याद है तो अगर लाइट ड्यूटी वाला भूल भी जाओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जब ऑप्शन मिलेगा तो आप हैवी ड्यूटी वाला अपने आप पहचान जाओगे, तो जो बचेगा वो लाइट ड्यूटी रहा करेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो लाइट ड्यूटी में कौन सा भाई? तो हेड स्क्रू यूज्ड इन लाइट ड्यूटी असेंबली। पहला जो ये पैन हेड स्क्रू है, दूसरा चीज हेड स्क्रू है। पैन हेड और चीज हेड, आई बात समझ में? पैन हेड चीज हेड दोनों की आकृति ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसने कर्व टाइप का बनाया है, कभी कभी ये उसी की तरह सीधा भी होता है, तो दोनों लगभग सेम ही टाइप के होते हैं। ठीक है, पैन हेड हो या चीज हेड हो फर्क क्या भाई? यह दोनों लगभग एक ही समान है, लेकिन जो हमारा यह वाला स्क्रू होता है ना, इस स्क्रू के लिए काउंटर बोरिंग आवश्यक होती है, मतलब इस स्क्रू के हेड को छिपाया जाता है। जो हमारा कौन सा? चीज हेड स्क्रू वाले हैं। ये दोनों एक ही समान है, पैन हेड और चीज हेड लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन मेन फर्क क्या है कि जो चीज हेड स्क्रू होता है ना, इस स्क्रू के लिए हमें क्या करना पड़ता है? काउंटर बोरिंग करना पड़ता है। काउंटर बोरिंग मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी का पार्ट है, अगर उसमें कोई होल किया गया, उस होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा कर दिया जाए तो काउंटर बोरिंग कहलाया जाता है। अब इसमें उतना हेड छिप जाएगा। प्रिंस जी कह रहे हैं सर क्लास कितने बजे तक चलेगा? लगभग कितना बज रहा है? 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 10 बजे तक, लगभग 1 घंटे क्लास रहेगी। ठीक है, और उसमें जैसे टॉपिक के हिसाब से ना 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे भी हो सकता है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ दोनों, ध्यान रहेंगे पैन हेड स्क्रू चीज हेड स्क्रू दोनों का आपने फिगर भी देख लिया होगा। दोनों में स्लॉट कटे हुए हैं जिससे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर को लगा करके इसको टाइट या लूज कर सके। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा ना, जो भी हमारे लाइट ड्यूटी वाले हैं, कौन से वाले? लाइट ड्यूटी वाले। लाइट ड्यूटी वाले जितने स्क्रू हैं सब में स्लॉट कटा होगा जिससे कि हम लोग क्या करें, उसमें अपना स्क्रू ड्राइवर लगा करके उसको टाइट या लूज कर सके। स्क्रू ड्राइवर लगा करके उसको टाइट या लूज किया जा सके, लाइट वाले में सब में रहेगा। ठीक है, तो अब अगला देखिए, दो हमने देख लिया कौन सा, पैन हेड और चीज हेड स्क्रू। अब उसके आगे क्या होगा, रेज्ड चीज हेड स्क्रू और राउंड हेड। ये चार टाइप के हमारे लाइट ड्यूटी में आते हैं। रेज्ड चीज हेड और उन दोनों को ध्यान दीजिएगा, चीज हेड
इस तरह से सिंपल था। रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या? उभार होता है। रेस्ट का मतलब क्या? उभार होता है। तो ये हमारा अगर ऐसे सिंपल है तो चीज हेड स्क्रू और इसी में ऐसे उभार लिए हुए हो, ठीक है, तब क्या हो गया? ये उभरा हुआ हो गया तो रेस्ड चीज हेड स्क्रू क्या हो जाएगा? रेस्ड चीज हेड स्क्रू। आपने ये बिल्कुल समतल है, इसका हेड ऊपर से क्या है? बिल्कुल समतल है, समतल है, लेकिन ऊपर हल्का गोलाई लिया हुआ हो, रेज्ड उभरा हुआ तो रेज्ड चीज है। ऐसे नॉर्मल है तो चीज है, उभरा हुआ है तो रेज्ड चीज है, ठीक है। तो यहां पे देखिए वही चीज है, बस क्या है, सिंपल। अगर यह ऊपर वाला हिस्सा नहीं था, अगर ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं था, बस सिंपल सीधा था तो चीज है। यह रेज का मतलब उभरा हुआ और कुछ नहीं, सेम वही चीज है, बस रेज लगा दिया मतलब इसे उभार लिए हुए, तो रेज्ड चीज हेड स्क्रू हो जाएगा, ठीक है। राउंड हेड स्क्रू क्या होगा? राउंड हेड स्क्रू दिख रहा है ना, हेड कैसा है? पूरा राउंड में, इनका पूरा राउंड में नहीं था, यह देखिए सिंपल फिर था। इसका हेड कैसा है? पूरा राउंड में, छतरी की तरह या कह लीजिए अर्धवृत्त की तरह, अर्धवृत्ताकार दिख रहा है ना, वृत्त होता है हमारा ऐसे गोला सा, वृत्त को आधे पे से काट दीजिए तो अर्धवृत्ताकार। तो इसकी आकृति कैसी होगी? अर्ध गोलाकार कहिए या अर्धवृत्ताकार कहिए, आकृति में क्या हो गया हमारा? जो राउंड हेड स्क्रू होता है, तो इसका हेड राउंड में है और वो भी अर्धवृत्ताकार आकृति में होता है, इसको राउंड हेड स्क्रू कहते हैं। और इसकी जो हेड होती है ना, ये जॉ की सतह के ऊपर निकला करता है, जबकि इनमें क्या था? काउंटर सिंकिंग कर दिया जाता है, हेड उसके अंदर छिप जाता है। इसमें जो है जॉ की सरफेस के ऊपर ये दिखाई देता है और इसमें भी स्लॉट कटा हुआ है जिसकी मदद से हम लोग इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से जिससे हम लोग इसको टाइट या लूज कर सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब देखिए वहां पे हमने पहले तो देखिए हम लोग क्या शुरू किए थे, हेड स्क्रू शुरू किए थे ना। हेड स्क्रू में हमने दो चीजें पढ़ी, हैवी ड्यूटी वाला हेड स्क्रू और लाइट ड्यूटी वाला हेड स्क्रू, दो चीजें कवर हो गई, हैवी ड्यूटी लाइट ड्यूटी, ठीक है। कौन कौन सा था वो भी मैंने आपको बता दिया, चार हैवी ड्यूटी में हो गए, चार लाइट ड्यूटी में हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी? सेट स्क्रू। मैंने बताया था सेट स्क्रू और ग्रब स्क्रू लगभग एक ही चीज है, बस सेट स्क्रू हैवी ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, भारी कामों के लिए यूज किया जाता है, और जो ग्रब स्क्रू होता है हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है। और कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, यह वाला फिगर आपको एग्जाम में आता है, यही वाला जो मैं फिगर आपको दिखा रखा हूं, यही फिगर एग्जाम में आएगा और पूछेगा कि यह कौन सा स्क्रू है, और ऑप्शन में आपको सेट स्क्रू मिलेगा या नहीं, ग्रब स्क्रू मिलेगा। तो आपको यह भी ध्यान देना कि इसको हम लोग ग्रब स्क्रू, सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू लगभग एक ही चीज है, ठीक है। नाम तो अलग अलग मैंने डिवाइड कर रखा है, पर इसको याद रखिए, यह ग्रब स्क्रू भी इसको कह सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। WCS की क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी होगी, वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। WCS की रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, उनको वहां से देख लीजिएगा। बाकी उनका क्वेश्चन वगैरह तो लास्ट में हम लोग करवा ही देंगे। बाकी मैंने ड्राइंग के लिए आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि अगर अपने सेकेंड ईयर की थ्योरी अच्छे से पढ़ ले तो वही ड्राइंग है। इसीलिए तो आपको देखोगे ड्राइंग की क्लासेज नहीं मिलती है, ड्राइंग की क्लास अपलोड है क्या आपके ऐप पर? क्योंकि भाई ड्राइंग में अलग से कुछ है ही नहीं यार, जो आपकी थ्योरी है ना, जैसे मैं स्क्रू पढ़ा रहा हूं आपको, बोल्ट पढ़ा रहा हूँ, इसी को इसी बोल्ट का फिगर दे करके पूछ लेगा कि यह कौन सा बोल्ट है, यही आपकी ड्राइंग में भी आएगा। यही वाला फिगर उठा करके जो स्क्रू मैं आपको पढ़ाया हूँ, पैन हेड वाला, चीज हेड वाला, यही स्क्रू आपके ड्राइंग में दे देगा, पूछेगा यह कौन सा स्क्रू है। तो ड्राइंग आपका कहां से आने वाला? आपके थ्योरी से आने वाला। अगर आपने थ्योरी फिगर सही तो अच्छे से तैयार कर लिया, यही आपको मिलेगा कहां पे? ड्राइंग में मिलेगा। आपके जो ड्राइंग होती है उसमें हैमर का पूछ लेता है, ठीक है, इसी में मतलब जो थ्योरी है ना, इसी को उठा करके ड्राइंग में पूछता है, थ्योरी तैयार, ड्राइंग तैयार। ठीक है, यह देखा आपको सेट स्क्रू। तो सेट स्क्रू क्या है भाई? देखिए यह सेट स्क्रू, इसमें देखिए यहां पे सेट कटा हुआ ऊपर क्या है, हेक्सागोनल, इसमें भी देखिए एक दो तीन चार पांच छह है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड की तरह इसमें भी अंदर क्या है, ग्रूव कटा हुआ। इसको टाइट लूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो एलन की दिखाया था ना, एलन की जरूरत पड़ेगी। ये जैसे पार्ट को पकड़ेगा कैसे? ऊपर जैसे जिसमें हेड रहता है, तो फिर हम जब कहीं पे टाइट करता है तो हेड क्या करता है? हेड पार्ट को दबाता है, हेड पार्ट को पकड़ता है। इसमें तो हेड है ही नहीं, तो पार्ट को किससे पकड़ेगा? तो ये जो टेल जिस पर थ्रेड कटा हुआ है, टेल है इसका, तो ये पार्ट को टेल से पकड़ता है, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं, तो पार्ट को कैसे पकड़ेगा? तो किसी भी पार्ट को पकड़ेगा, जैसे इस पार्ट में टाइट करोगे तो पार्ट को किसकी मदद से पकड़ेगा? तो ये जो टेल पे इसकी जो थ्रेड कटी हुई है उससे वो उसमें टाइट हो जाएगा और उसकी मदद से पार्ट को पकड़ के रखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो सेट स्क्रू होता है ना, ये पार्ट को कैसे पकड़ता है? अपने टेल से पकड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पार्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे पार्ट, इस पार्ट में क्या कर दिया जाता है, एक छोटा होल बना दिया जाता है, होल बना दिया जाता है, उसमें थ्रेड कटी होती है और इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सेट स्क्रू को टाइट कर देते हैं।
इसे किस लिए यूज करते हैं? तो यर्थ सीट स्क्रू देखिए हमारा यूज किया जाता है जब हमारी कोई पुली होती है, कोई हमारी पुली है उसको अगर शाफ्ट वगैरह पे लगाना है, फिक्स करना है, तो पुली को लगाते हैं, शाफ्ट में क्या होगा होल करके थ्रेड कटा होगा, पुली को लगाएंगे पुली में थ्रेड कटा होगा, ये जो हमारा सेट स्क्रू है क्या होगा उस थ्रेड में से होते हुए पुली में से होते हुए शाफ्ट वाले थ्रेड में जाकर टाइट हो जाएगा, फिर उन दोनों को आपस में फिक्स कर देगा। ठीक है, देखिए भाई बुक कोई भी लगे, यहाँ पे कोई कह रहा सर हमारे यहाँ पर बुक कोई भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टॉपिक से मतलब है ना, जो आपके टॉपिक है वो कवर होने चाहिए, वो आपको अच्छे समझ में आने चाहिए, बुक कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक लगा रहा है कुछ भी लगा रहा है लगाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जो ये चीज यहां पढ़ा रहा हूं ना, आखिरी बात समझ में, मैं आपको जो यहां पे पढ़ा रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके सिर्फ आईटीआई में ही काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैं एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज एक एक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यह आपके इवन कंपटीशन वाले एग्जाम में भी काम आएगा, सिर्फ आप आईटीआई एग्जाम पास नहीं करोगे आप कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। तो थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी, जैसा कि मैंने कहा आपको ईमानदारी से मैं भी मेहनत करूंगा, ईमानदारी से आप भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ आईटीआई पास नहीं करना, आपको आगे का भी काम बनेगा यार, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी तैयारी कितनी हो गई, आप सिर्फ आईटीआई पास नहीं करोगे आप कंपटीशन लेवल के लिए भी तैयार हो जाओगे इसी के साथ में। चलिए तो ये क्लियर हो गया कि भाई पुली आदि को इसके साथ लगाने के लिए हम लोग ग्रब स्क्रू यूज करते हैं, प्लस हाई स्ट्रेंथ के लिए, उच्च सामर्थ्य के लिए ना, अच्छी पकड़ के लिए, भारी वर्क के लिए कह सकते हैं, हैवी ड्यूटी कामों के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, सेट स्क्रू का। जबकि ग्रब स्क्रू भी हमारा इसी टाइप का होता है, लेकिन यह किसके लिए यूज किया जाता है, सेम सेट स्क्रू की तरह ही होता है, लेकिन यह हल्के कामों के लिए, हल्की पकड़ के लिए, यह भारी पकड़ बनाता है, मजबूत पकड़ बनाता है, और यह क्या है हमारा हल्की पकड़ बनाता है, कौन, ग्रब स्क्रू, कौन बनाता है, ग्रब स्क्रू। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना कि यह हमारे शाफ्ट है, यह अंदर वाला हिस्सा क्या है, यह अंदर वाला जो हिस्सा है हमारा, यह गोल सा या शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर यह रिंग चढ़ाई गई है, यह अलग से गोला सा रिंग है, ठीक है, यह अंदर वाला हिस्सा शाफ्ट हो गया, इस शाफ्ट पर यह सेटिंग रिंग को चढ़ाया गया और रिंग यहाँ से कटी हुई है और इस पर क्या थ्रेड है, इस रिंग को इसके साथ जोड़ने के लिए, यह जो हमारे भाई रिंग है इसमें क्या है, थ्रेड है, इस रिंग में थ्रेड है और शाफ्ट में भी यहाँ पे हल्का जगह बना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं ग्रब स्क्रू को जब टाइट करेंगे तो यह सेटिंग रिंग से होते हुए यहाँ शाफ्ट में चली जाएगी और इस रिंग को इस पे फिक्स कर देगी, आई बात समझ में, तो हल्की पकड़ के लिए। और वहां पे क्या करना था, हमें पुली को शाफ्ट के साथ फिक्स करना था, तो भारी पकड़ की जरूरत पड़ेगी, तो सेट स्क्रू, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया सेट स्क्रू ग्रब स्क्रू लगभग एक ही चीज है, तो एग्जाम में कई बार आपको यह फिगर देगा लेकिन सेट स्क्रू ऑप्शन में नहीं होगा, ग्रब स्क्रू होगा, तो ध्यान रखना यह वाला फिगर अगर एग्जाम में आए तो ग्रब स्क्रू भी सही करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। देखो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगला है भाई थंब स्क्रू, बहुत ही आसान चीज है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, बहुत बढ़िया भाई, जो लोग कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही जगह पे हो आप, ठीक है, आप तैयारी कीजिए अच्छे से, पढ़िए इस चीजों को, एग्जाम दीजिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि आपने क्या चीज पढ़ी है और आपको क्या मैच कर रहा है। जो मैं आपको चीजें करवाऊंगा यह किसी एक बुक का या किसी एक चीज का टॉपिक नहीं है आपके, देखिए रॉयल पब्लिकेशन जो आपने नाम लिया अरियंत हो गया, ठीक है, और आपका जो निम्मी का होगा, निम्मी में पॉइंट वाली चीजें मिलती हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबको मैंने कलेक्ट कर रखा है उस इंपॉर्टेंट चीजों को जो आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए तो थंब स्क्रू देखिए ये बड़ा आसान चीज है, थंब स्क्रू नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नाम में क्या है, थंब स्क्रू मतलब ऐसा स्क्रू जिसको हम थंब की मदद से टाइट या लूज कर सके, कैसा स्क्रू, ऐसा स्क्रू जिसे हम थंब की मदद से टाइट या लूज कर सके, मतलब हाथ के द्वारा ही हम उसे खोल सके, थंब की मदद लेकर के हाथ के द्वारा इसे खोल सके और टाइट कर सके, ऐसे स्क्रू को थंब स्क्रू कहते हैं, क्या कहते हैं, थंब स्क्रू कहते हैं। यूज कहाँ होगा भाई, तो बार बार जहां पे हमें बार बार कंपोनेंट को शीघ्रता से खोलना हो और अलग करना हो, कंपोनेंट को शीघ्रता से खोलने और अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थंब स्क्रू का यूज करते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए थंब स्क्रू का फिगर है, ये थंब स्क्रू, और देखिए इस पे क्या, ये इसको क्या कहते हैं, किसी को मालूम है क्या, ये जो हमारा थंब स्क्रू है इस पे ये जो लाइनिंग काटी गई है, ये लाइनिंग बना हुआ है ना, इसको क्या बोला जाता है, किसको मालूम है, कोई बताएगा, ये जो यहाँ पे हमारा थंब स्क्रू को मैंने आपको फिगर दिखा रखा है, या हाथ से टाइट लूज किया जाएगा, यहाँ पे ये जो लाइनिंग बनी है यह इस लाइनिंग को क्या कहते हैं और यह किस लिए बनाई गई होती है, दोनों चीजें बताइए, नर्लिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और किस लिए किया गया होता है, किस लिए किया गया होता है,
ग्रिपिंग, अच्छी पकड़ के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो यह हमारा क्या भाई, यह हमारा थंब स्क्रू है, और इसके ऊपर जो लाइनिंग बनी हुई है ना, यह हमारा कहलाता है क्या, नर्डलिंग। क्या कहलाता है, नर्डलिंग कहलाता है ना, नर्डलिंग, ठीक है। यह देख रहे हैं आप, सीधी लाइनिंग कटी गई है, तो स्ट्रेट नर्डलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रेट नर्डलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट नर्लिंग है, ये नर्लिंग क्यों किया गया होता, अगर ये बिल्कुल प्लेन होता, नर्लिंग नहीं किया गया तो ये नट बिल्कुल प्लेन होता, तो जब इसको हाथ से आप टाइट या लूज करने की कोशिश करते तो आपका थंब स्लिप कर जाता, हाथ स्लिप कर जाता, इसीलिए नर्लिंग कर दिया जाता है, ऐसे खुरदुरा बना दिया जाता है, जिससे कि आपके हाथों की पकड़ मजबूत हो, ग्रिपिंग अच्छी हो, पकड़ मजबूत हो, ग्रिपिंग अच्छी हो, वेरी गुड, बढ़िया, जानते हो आप लोग, ठीक है। तो वही चीज देखिए यहाँ पर है कि हाथ द्वारा खोला जा सके, और जहां पर बार बार हमें कंपोनेंट को जल्दी खोलना हो, लगाना हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल के लिए ले रखा है आपके सामने। यह किस चीज का फिगर है, कोई पहचान रहा है क्या, किस चीज का फिगर है भाई, जल्दी से बताइएगा फिगर किस चीज का है। वर्नियर कैलिपर, वेरी गुड, संचारी सरकार नाम है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, अंकितानंद, वेरी गुड। देखिए भाई यह क्या है हमारा, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में जो ये हमारी वर्नियर स्लाइड होती है, वर्नियर स्लाइड को लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू लगाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग थंब स्क्रू, क्योंकि यहाँ पे नर्लिंग किया गया होता है और इसे लॉक नट बोलते हैं। तो जैसे हमें जब भी कोई जॉब की माप लेनी है तो इस वर्नियर स्लाइड को आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा, वर्नियर स्लाइड को आगे ले गए, फिर हमें यहाँ पे इसको लॉक करना पड़ेगा, तुरंत लॉक कर दिया, रीडिंग ले लिया, फिर दूसरी माप लेना, फिर इसको लूज करना पड़ेगा, फिर इसको स्लाइड करना पड़ेगा, मतलब बार बार हमें इस पार्ट को टाइट और लूज करना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पे ऐसा नट हो जो आसानी से हाथ से ही टाइट और लूज हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे थंब स्क्रू यूज किया गया है, किस पे, वर्नियर कैलिपर पे। और कहीं आप लोगों ने थंब स्क्रू देखा है क्या, और कहीं पे आप लोगों ने थंब स्क्रू देखा है, बताइए कमेंट करके। हाइट गेज, वेरी गुड, कंपास, बहुत बढ़िया, बस बस ठीक है, आप लोग पकड़ ले क्या चीज है, समझ में आ गया थंब स्क्रू क्या ना, कंपास में देखा होगा आपने, जो आपके आते हैं ना कैलिपर वगैरह, जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर होता है उसमें भी वो आपका लगा होता है थंब स्क्रू, ठीक है। तो सही पकड़ो आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है भाई सेल्फ टाइपिंग स्क्रू, क्या है आपके सामने, सेल्फ टाइपिंग स्क्रू, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ टाइपिंग स्क्रू, डिवाइडर, हाइट गेज, बहुत बढ़िया भाई, चलिए। हाँ, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है, आगे शायद आप लोगों में आएगा तो इसके बारे में बात किया जाएगा, हालांकि आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। बाकी जो मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं ना, अभी आगे आपका जो स्पैनर वगैरह है और इस टाइप के रिंग स्पैनर जो अभी आपके आगे आएंगे टॉपिक में ना, इस पे मैंने एक हैंड टूल, मतलब आप जाना कहाँ, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना, वहां पे यार देखता हूँ, अगर मान लो ऐप में हो गया तो उसको मैं करवा दूंगा। यूट्यूब पे आप सर्च क्या करना, फिटर हैंड टूल पार्ट टू ग्लोबल आईटी, इसके आगे ग्लोबल आईटी जरूर लिखना, तभी मिलेगा, ग्लोबल ITI, ठीक है। जो मैंने लिखा है यहाँ पे पिंक कलर से, जितनी लाइन है सेम टू सेम यही लाइन आप जो है अपने YouTube में सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पार्ट टू के नाम से। उसमें मैंने कुछ स्पैनर और टॉर्क रिंच ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे से दिखा रखा है, उसका प्रैक्टिकल करके समझा रखा है। आपको टॉपिक अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, अगर आप पहले वीडियो देख लोगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा ना। तो एक बार यार आप लोग उसको पहले देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक शायद कल मैं करवाऊँ, तो अगर आप लोग ये वीडियो पहले से देख रहे होगे ना तो मुझे मजा आ जाएगा कराने में। वैसे मैंने विवेक सर से एक बार बोला था तो उन्होंने टेलीग्राम में दिया है क्या, हाँ आज सर देख लिए, टेलीग्राम में है क्या, हाँ भाई लाइव वीडियो बाद में सेव रहेगी, ठीक है, लाइव वीडियो बाद में सेव रहेगी, चलिए। तो इस चीज को जब मैंने बताया इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग देख लेंगे ना तुम कल वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, अच्छे समझ में आएगा। देखिए सेल्फ टाइपिंग स्क्रू क्या है, तो देखिए नाम में है ना सेल्फ टाइपिंग स्क्रू, देखिए टाइपिंग का मतलब समझिएगा, टैप क्या होता है, तो टैप होता है थ्रेड काटने के वाला,
टैप क्या होता है, थ्रेड काटने वाला, ठीक है। थ्रेड कैसा, थ्रेड का ध्यान दीजिएगा, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है आपके जैसे स्क्रू के, स्क्रू के ऊपर थ्रेड कटा हुआ है ना, और एक हो गया किसी पार्ट में, जैसे इसमें होल बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर थ्रेड कटाओ, इसके अंदर थ्रेड कटाओ, एक तो ऊपर हो गया, या तो इसके साथ जो नट है नट के अंदर थ्रेड कटा होता है, तो आंतरिक थ्रेड हो गया। जब बाहरी थ्रेड काटना होता है तो बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डाई। और जब हमें आंतरिक थ्रेड काटना हो, किसी होल के अंदर थ्रेड काटना हो, तो उस थ्रेड को काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं। जो टूल आता है उसको क्या कहते हैं, टैप। किसके लिए, आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, आंतरिक थ्रेड इंटरनल थ्रेड के लिए, किसके लिए भाई, इंटरनल थ्रेड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, बाहरी चूड़ी के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं। इस बात को ध्यान देना कि भाई जब बाहरी चूड़ी काटना है तो डाई, आंतरिक चूड़ी काटना है तो टैप, ठीक है। तो उसी को देखिए टैपिंग कह रहा है, जब हम लोग जो जिस टूल के द्वारा हम लोग चूड़ी काटते हैं उसको टैप कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है आंतरिक चूड़ी काटने का उसको टैपिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टैपिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहां पे क्या भाई, सेल्फ टैपिंग स्क्रू मतलब ऐसा स्क्रू जो खुद से ही टैपिंग कर ले, मतलब खुद से ही थ्रेड काट ले, मतलब इस स्क्रू को जहां पर हम लगाते हैं ना वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें थ्रेड नहीं काटना पड़ता। स्क्रू को जहां पर लगाएंगे वहां पर थ्रेड नहीं काटना पड़ेगा। तो यह भाई किसी मोटे, मतलब कह लीजिए किसी हैवी मेटल में तो ऐसा हो नहीं पाएगा, कोई ऐसा स्क्रू है कि उसमें आप टाइट करो खुद से थ्रेड काट ले। तो इसीलिए हम लोग सेल्फ टैपिंग स्क्रू कहां यूज करते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, ऐसा स्क्रू जो सेल्फ स्वयं से टैपिंग मतलब थ्रेड काट ले, ऐसा स्क्रू जो खुद से ही अंदर उस बॉडी पार्ट में थ्रेड काट के सेट कर ले। क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी मान लीजिए इस पार्ट में हमें क्या करना है, स्क्रू को टाइट करना है, तो इसमें थ्रेड काटेंगे तब तो इसमें स्क्रू जाएगा, लेकिन यह जो स्क्रू होता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू, मतलब ऐसा स्क्रू जो खुद से ही थ्रेड काट करके उसमें सेट हो जाए, ठीक है। तो किसी हैवी पार्ट पे ऐसा किसी मेटल में तो संभव नहीं है, तो इसीलिए यह जो सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है कहां पे यूज हो पाता है, तो यह यूज हो पाता है पतली धातु की चादर। कोई अगर पतली धातु, कोई असेंबली है, दो पार्ट आपस में जोड़े जा रहे हैं और वो पतली धातु की चादर है, तो उसमें सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो उस चादर में खुद से थ्रेड, क्योंकि पतली चादर है तो उसमें आसानी से थ्रेड काट कर खुद से सेट हो जाएगी। इससे फायदा क्या होता है कि जो सेल्फ टैपिंग, क्योंकि ये देखिए पहले से थ्रेड बना होता उसमें आप अलग से बोल्ट अगर आप टाइट करते या स्क्रू टाइट करते तो क्या होता, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता है, तो जब कंपन होता ना तो पार्ट्स में वाइब्रेशन होता, जो पार्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो भाई क्लियरेंस रहता है तो वाइब्रेशन होता। लेकिन जो सेल्फ टैपिंग स्क्रू होते हैं ये खुद से, मतलब जब उसमें कोई थ्रेड पहले से नहीं है, जब ये स्क्रू जाता है तो खुद थ्रेड काटते हुए सेट होता है, तो बिल्कुल अच्छे से टाइटली सेट हो जाता है, जिससे उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, वह ज्वाइंट कंपन रोधी बनता है। कैसा बनता है, कंपन रोधी जोड़ बनता है, ज्वाइंट बनता है, क्योंकि वो खुद से थ्रेड काट करके उसमें सेट हो रहा है, तो कोई भी कंपन नहीं होता, कोई क्लियरेंस नहीं रहता है, ठीक है। और इस असेंबली को जो भी हम यहाँ पे जोड़ बना रहे हैं, जोड़ को कई बार हम लोग असेंबल डिसेंबल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, कंपन को कम करने के लिए वेरी गुड। तो यह पूछ सकता है आपसे कि भाई सेल्फ टैपिंग स्क्रू का मेन पर्पज क्या है, मेन यही है कि जो जोड़ बनेगा वो कंपन रोधी बनेगा, खुद से थ्रेड काट करके सेट होता है, इस वजह से वह कंपन रोधी बनता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यह जो हमारा सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है, यह भी हमारा लगभग तीन टाइप का है, ठीक है। पहला है थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, ठीक है। देखिए थ्रेड फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब क्या होगा, इस बात को ध्यान देना, थ्रेड फॉर्मिंग मतलब यह फॉर्म, एक फॉर्म के रूप, फॉर्म का मतलब है कि उसमें वो थ्रेड काटने का, जैसे कहीं भी अगर थ्रेड कटेगी तो उसमें चिप्स निकलेगा ना, तो यह चिप्स नहीं निकलता है। यह जो हमारी पतली चादर होगी ये किस कहां काम किया जाएगा, तो नर्म और पतली धातुओं के लिए, ऐसी धातु में इसका फिगर भी याद रखिएगा, कई बार फिगर दे करके पूछ लेता है, कई बार हमारा फिगर दे करके पूछ लेता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, फिगर दे करके हमसे पूछता है कि यह फिगर कौन से स्क्रू का है, तो आपको पहचानना पड़ेगा सेल्फ टाइपिंग है या फिर कौन सा है आपका, ठीक है। पियर्सिंग वाला भी आता है, थ्रेड कटिंग वाला स्क्रू भी आता है, तो कौन सा आपको पहचानना पड़ेगा, तो फिगर आपको ध्यान रखना। तो यह क्या होता है, इसमें देख रहे हैं ना, यह जो यहाँ पे निकला हुआ है उभार टाइप का, इसको रिज हम लोग कहते हैं, जो काटने काम करता। तो यह क्या करता है, देखिए यह थ्रेड को काटता नहीं, मैंने क्या बताया, जब थ्रेड कटेगा तो चिप्स के रूप में कुछ मटेरियल बाहर निकलना चाहिए, चिप्स के रूप में कुछ मटेरियल बाहर निकलना चाहिए, पर इसके द्वारा चिप्स नहीं निकलता, क्योंकि यह क्या करता है, जो हमारा चादर है ना, चादर को यह स्क्वीज करता है, दबाना या भींचना कह सकते हैं,
स्क्वीज करके निचोड़ करके उसने क्या करता है, थ्रेड को उभार टाइप का थ्रेड बना देता है, मटेरियल नहीं काटता उस चादर में, जबरदस्ती प्रेशर दे तो उसमें क्या होगा, थ्रेड टाइप को उभार टाइप का बन जाएगा, मटेरियल कोई कोई चिप्स कट करके नहीं निकलेगा, स्क्वीज करता है ये उस मेटल को, क्या करता है उस चादर को या स्क्वीज करता है, स्क्वीज करके उसमें थ्रेड काटता है, ठीक है। और किसके लिए यूज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए फॉर्मिंग लिखा हुआ है, थ्रेड फॉर्मिंग के, थ्रेड का फॉर्म बना देता है, ना कि कोई चिप्स काटता है। और दूसरी चीज इसको ध्यान रखना, किसके लिए, नर्म और पतली धातुओं के लिए, कई बार ये भी पूछता है कि सॉफ्ट और पतली धातुओं के लिए कौन सा वाला, तो थ्रेड फॉर्मिंग वाला, थ्रेड फॉर्मिंग, क्योंकि भाई ये थ्रेड काट नहीं रहा, चिप्स काट नहीं रहा, उसको उभारेगा, उसको स्क्वीज करके उस मेटल को उभार करके थ्रेड टाइप का बना देगा, तो उसके लिए वह नरम धातु होगी, तभी ऐसा संभव होगा, मतलब वो चादर नरम धातु वाली हो, सॉफ्ट वाली हो प्लस पतली हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड कटिंग सेल्फ टाइपिंग स्क्रू, यह भी सेल्फ टाइपिंग स्क्रू है, खुद से अपना जो है टाइपिंग करके सेट हो जाएगा, लेकिन कौन सा टाइप वाला, थ्रेड कटिंग वाला है, कौन सा वाला है, थ्रेड कटिंग वाला। तो यह देखिए, यह थ्रेड काटेगा, वो काट नहीं रहा था, थ्रेड फॉर्मिंग था, थ्रेड को थ्रेड का फॉर्म उत्पन्न कर रहा था स्क्विच करके उस मटेरियल को, जबकि यह क्या करेगा, थ्रेड काटेगा, थ्रेड कटिंग सेल्फ टाइपिंग स्क्रू है। तो इसमें देख रहे हैं, देख के थोड़ा अलग टाइप का नुकीला नुकीला दिख रहा है ना, दोनों फिगर पहचान जाएंगे, यह देखिए पूरा नॉर्मल थ्रेड की तरफ बना हुआ है, और इसमें थ्रेड कटिंग वाले में क्या है, ऐसे बनाओ, और यह जो इसका उभरा हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, क्या कहते हैं, रिज बोलते हैं, और यही हमारा काटने का काम करता है कटिंग एक्शन के लिए। यह देख रहे हैं ना, थ्रेड के रूप में बाहर की तरफ उभार दिया गया, जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है इसको रिज बोला जाता है, और यही कटिंग एक्शन का काम करता है, मतलब काटने का काम हमारा कौन करता है, यही वाला जो हिस्सा है हमारा, यह हमारा काटने का काम करता है, ठीक है। और इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज भी पतले जॉब में होगा, लेकिन ध्यान देना वह सॉफ्ट मटेरियल के लिए था, नरम के लिए था, लेकिन यह हार्ड और ब्रिटल के लिए, यह एग्जाम में आपका आया हुआ है कि हार्ड एंड ब्रिटल के लिए कौन सा यूज करते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल के लिए कौन सा सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज करते हैं, तो हार्ड एंड ब्रिटल के लिए थ्रेड कटिंग वाला यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड होगा, कठोर होगा, तो उसमें थ्रेड आसानी से काटेगा, ब्रिटल होगा तो चिप्स नहीं बनेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर के गिर जाएगा। ब्रिटलनेस का मतलब समझते हैं ना, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब है भंगुरता, ब्रिटलनेस का भाई क्या मतलब है, ब्रिटलनेस का मतलब है भंगुरता, क्या मतलब है गुरु, भंगुरता, ठीक है। भंगुरता का मतलब ऐसा मेटल जो चोट लगने पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, समझ रहे, अचानक से इंपैक्ट लगता है ना, फिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि उसमें भंगुरता का गुण है, उसी को ब्रिटलनेस बोलते हैं, ठीक है। और यह ब्रिटलनेस मटेरियल कौन सा होता है आपको मालूम है, भंगुरता, बहुत बढ़िया। ये भी तब बता दीजिए कि कौन सा मटेरियल में ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है, कौन से मेटल में, कौन से आयरन में ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है, किसी को पता है, चूर चूर हो जाएगी, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बताइएगा इस चीज को, कौन से मटेरियल में हमारा जो, तो कास्ट आयरन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनोज छोटू बिना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, किसमें, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन होता है जिसमें क्या ब्रिटलनेस का गुण होता है, मतलब जब उस पर अचानक इंपैक्ट लोड पड़ता है तो वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, बहुत सही है, बढ़िया, क्लियर हुआ। तो इसमें हमें मेन क्या चीज ध्यान रखना है, इस वाले में हमें मेन ये ध्यान रखना है कि हार्ड एंड ब्रिटल जो हमारा कटिंग वाला थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू या हार्ड एंड ब्रिटल के लिए होता है, जबकि सेल्फ सॉरी थ्रेड फॉर्मिंग, थ्रेड फॉर्मिंग और कटिंग, फॉर्मिंग वाला किसके लिए है, तो सॉफ्ट और पतली धातु के लिए, सॉफ्ट के लिए, जबकि हार्ड और ब्रिटल के लिए थ्रेड कटिंग वाला, दोनों को हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है सेल्फ पियर्सिंग और सेल्फ टैपिंग स्क्रू, ठीक है, सेल्फ पियर्सिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, सेल्फ पियर्सिंग टाइप का है, ठीक है। यह क्या होता है, तो ये हमारा इसको मेन है कि ये विशेष टाइप का हमारा दो मुखी थ्रेड वाला होता है, क्या होता है, दो मुखी थ्रेड वाला, इसमें आप थ्रेड देख रहे होंगे, ध्यान से थ्रेड देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि दो अलग अलग दो मुखी टाइप का, तो दो मुखी थ्रेड टाइप का हमारा इस वाले सेल्फ पियर्सिंग वाले हमारे स्क्रू पे कटा होता है, दो मुखी थ्रेड कटी होती है, और इसको यूज करने के लिए एक विशेष टाइप का गन यूज किया जाता है, उस गन की मदद से इस स्क्रू को यूज किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सा ऐसा स्क्रू है जिसे एक विशेष गन के साथ, ये पूछेगा कि विशेष गन के साथ यूज करते हैं, तो हमारा सेल्फ पियर्सिंग सेल्फ टाइपिंग स्क्रू होता है, सेल्फ पियर्सिंग वाला, कौन सा, सेल्फ पियर्सिंग वाला, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे क्या है हमारा, हैमर ड्राइव स्क्रू, यह भी बहुत आसान चीज है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक चीज और है कि यह जो हैमर ड्राइव स्क्रू होते हैं हमारे ना, यह देखिए इसमें दो टाइप है, एक टाइप किस टाइप का है और एक टाइप यू टाइप का, यह दोनों ही हमारे क्या है, हैमर ड्राइव स्क्रू, तो हमें ध्यान रखना है कि
फिगर कोई सा भी आ जाए दोनों हैमर ड्राइव स्क्रू है। और ये मल्टी थ्रेड वाला होता है, कौन सा होता है भाई, यह मल्टी थ्रेड, हमारे जो हैमर ड्राइव स्क्रू होते हैं ना यह मल्टी थ्रेड वाले होते हैं, मल्टी थ्रेड कटिंग वाले, कौन से मल्टी स्टार्ट होते हैं या मल्टी थ्रेड कह लेते हैं। मल्टी स्टार्ट मतलब सिंगल स्टार्ट मतलब क्या होता है, चलिए एक चीज भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सिंगल स्टार्ट थ्रेड क्या होती है और मल्टी स्टार्ट थ्रेड क्या होती है। जब देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड का मतलब होता है कि उस पर सिंगल थ्रेड कटी होगी हमारे स्क्रू पे, इसका मतलब कि जब हम स्क्रू को एक चक्कर घुमाएंगे ना तो वह एक थ्रेड के बराबर जो हमारा भाई स्क्रू हो गया, स्क्रू हो गया, स्क्रू हो गया, और क्या होता है वह नट में टाइट किया जाएगा, किसमें टाइट किया जाएगा, टाइट किया जाएगा और नट में। तो जब हम स्क्रू को एक चक्कर घुमाएंगे तो वह नट के अंदर एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा, उसको बोला जाएगा सिंगल स्टार्ट थ्रेड, कि एक थ्रेड के बराबर दूरी आगे वह बढ़ा, स्क्रू को एक चक्कर घुमाने पे वह एक थ्रेड के बराबर दूरी आगे बढ़ा तो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड हो गया। आई बात समझ में क्या हो गया भाई, सिंगल स्टार्ट थ्रेड हो गया। लेकिन अगर वही हमारा क्या हो कि अगर मान लीजिए हम स्क्रू को एक चक्कर घुमाए और वो दो थ्रेड के बराबर दूरी बढ़ जाए तो डबल स्टार्ट थ्रेड, अगर हम स्क्रू को एक चक्कर घुमाए और वो तीन थ्रेड के बराबर दूरी आगे बढ़ जाए तो ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। मतलब जहां पे हमें नट जो हमारा स्क्रू है उसको जल्दी से खोलना और बंद करना हो तो वहां पे उसी हिसाब से डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट करते जाते, ट्रिपल स्टार्ट मतलब तीन थ्रेड के बराबर दूरी आगे बढ़ेगी तो जल्दी टाइट लूज होगा, लेकिन जितना ही इसका थ्रेड बढ़ता जाता है उसकी पकड़ थोड़ी कम होती जाती है, कमजोर होती जाती है। ठीक है, तो मल्टी स्टार्ट में क्या हो गया, मल्टी स्टार्ट का मतलब वही हो गया कि इसमें ट्रिपल फोर्थ मतलब जो भी सिंगल को छोड़ के डबल ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड हो सकती है। ठीक है, तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड में आ जाएगा। और इसका यूज कहां है, ठीक है, हैमर ड्राइव स्क्रू, देखिए एक तो नाम से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हैमर ड्राइव स्क्रू, हैमर ड्राइव क्यों कह रहा है, कहीं कहीं पे सिर्फ ड्राइव स्क्रू भी लिखता है, हैमर ड्राइव में सिर्फ ड्राइव स्क्रू भी लिखेगा, ड्राइव स्क्रू भी लिखेगा या हैमर ड्राइव स्क्रू लिखेगा दोनों की बात है। हैमर ड्राइव स्क्रू इसलिए कहते हैं कि इस स्क्रू को चलाने के लिए, जैसे बाकी कोई स्क्रू है इसको चलाने के लिए पेचकस यूज करेंगे, स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे, लेकिन इस स्क्रू के लिए हम लोग हैमर यूज करते हैं, हैमर से डायरेक्ट इस स्क्रू को ठोक दिया जाता है, इसलिए हैमर ड्राइव स्क्रू मतलब इस स्क्रू को कौन चला रहा है, हैमर, बाकी में तो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर है पेचकस एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हैमर होता है, हैमर की मदद से हम चोट लगाते हैं और वो हमारा नेम सेट हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे लगाते हैं इसको, नेम प्लेट में यूज आ गया यहाँ पे, कमेंट बहुत बढ़िया भाई, इसका यूज करते हैं किसी जैसे कोई मशीन है आपने देखा होगा, लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, तो उन पर नेम प्लेट लगी होती है ना, या फिर ड्रिल मशीन पर, लेथ मशीन पे हमारा क्या होगा, चार्ट बना होगा, थ्रेड काटने के लिए दिया गया होगा कि किस पर कितना का, गियर को सेट करने के लिए अलग से प्लेट टाइप लगी होती है, जो पतली प्लेट होती है हमारी नेम प्लेट होती है उनको कास्ट आयरन की मशीनों की कास्ट आयरन की बॉडी पे लगाया जाता है, जो हमारी नेम प्लेट होती है उन्हें मशीनों की कास्ट आयरन की बॉडी पे लगाया जाता है। तो मशीनों की कास्ट आयरन की बॉडी पे नेम प्लेट लगाने के लिए हैमर ड्राइव स्क्रू यूज करते हैं, वहां पे होल बना होता है, नेम प्लेट को लगाते हैं उस पे, स्क्रू रखते हैं हैमर ड्राइव, हैमर तक ठोक देते हैं, डायरेक्ट अंदर चला जाता है। इसको हम लोग बार बार असेंबल डिसेंबल नहीं कर सकते, एक बार लग गया काम खत्म। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, लेथ मशीन नेम प्लेट पर, और इसको हम लोग दोबारा जैसे बाकी स्क्रू क्या है, टाइट कर दिया फिर दोबारा लूज करके बाहर निकाल लिया फिर दोबारा टाइट कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एक बार आपने हैमर की तरह ड्राइव कर दिया और सेट हो गया दोबारा उसको बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, टीन का सेट, हाँ बिल्कुल, पतली चादर, पतली प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगला है कॉलर स्क्रू, अगला क्या है हमारे सामने, कॉलर स्क्रू। ठीक है, कॉलर स्क्रू क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब हम लोग इस जैसे एक होता है वाशर अलग से लगाना, इसमें वाशर अलग से नहीं लगाया गया है, जब हमारा बोल्ट तैयार किया जा रहा था इसका हेड फोर्ज करते समय उसी के साथ कॉलर नुमा वाशर नुमा आकृति इस हेड के नीचे बना दिया जाता है, इसी को कॉलर स्क्रू कहते हैं, कि इसके साथ कॉलर बना दिया गया, जैसे हमारे है ना शर्ट के साथ कॉलर बना हुआ है भाई, हेड के नीचे कॉलर, अब आपको जब भगवान बना रहे हो तो हेड के साथ ही कॉलर बना दे तो वही एक तरह से कॉलर स्क्रू कहलाता ना, कि इस हमारे बोल्ट को बनाते समय हमने बोल्ट के हेड के साथ, जब बोल्ट का हेड फोर्जिंग करके बनाया जा रहा था तो बोल्ट के हेड के साथ, हेड के जस्ट नीचे ही उसके साथ कॉलर नुमा आकृति बना दी गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर स्क्रू कहते हैं, वाशर के तरह है ना, वाशर नुमा आकृति बना दी गई है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। इसमें अब हमें क्या फायदा है कि भाई इस बोल्ट में हमें
इस स्क्रू में अलग से हमें वाशर नहीं लगाना पड़ेगा, अलग से क्या होगा वाशर नहीं लगाना पड़ेगा, और वाशर साथ में लगा हुआ तो इसकी पकड़ भी अधिक मजबूत होगी, क्योंकि ज्यादा सरफेस पे फैलेगा, इसका फोर्स अधिक सरफेस पे रहेगा तो पकड़ मजबूत आएगी और जल्दी खुलेगा भी नहीं, कंपन वगैरह होने पर खुलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही भाई। यहाँ पे आया किसी का कमेंट कि कालर स्क्रू वाशर लगा ही रहता है, मतलब जब हम इस बोल्ट को बना रहे होते हैं ना तो इसके हेड के साथ वाशर टाइप की आकृति इसके साथ बना दिया जाता है, इसी को हम लोग कालर स्क्रू कहते हैं। यह जो हमारा बोल्ट होता है, स्क्रू होता है, ये थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, हम लोग अलग से वाशर यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो वाशर नुमा ऐसे बना बनाया आता है इसको हम लोग कॉलर वाला बोलते हैं, और ये थोड़ा महंगा मिलता है। चलिए लास्ट है, इस स्क्रू को हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे का जो टॉपिक ना वो कल करेंगे, लगभग टाइम भी हो गया आप लोगों का। इस स्क्रू को देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, सोल्डर स्क्रू। नाम में ही क्या है, सोल्डर, नाम में क्या हमारा, सोल्डर। तो इसमें दो आकृति देखिए, मेन इसका एक हेड हो गया, यह जो है ना यह पार्ट में लगा हुआ है, इसको मत देखिए, इसमें जो मेन स्क्रू है पहले मैं उसका आपको जो लाइनिंग खींच रहा हूँ यह बस स्क्रू रहेगा, बाकी यह पार्ट में लगा हुआ, अभी समझाऊंगा कैसे। यह हमारा स्क्रू हो गया, यहां से चला गया, जो जो लाइनें जा रही है यह स्क्रू का पार्ट है। ठीक है, यह देखिए, यह लाइन खींचने का मतलब है सीधा कि यह थ्रेड कटा हुआ है, जो यह लाइन खींच दी गई ना, मतलब इतना पार्ट में यह जो है जितना सीधी लाइन खींचेगी ये इतना थ्रेड कटा हुआ है। यह देखिए इधर पार्ट हो गया इसका, और इधर इसका पार्ट हो गया। ठीक है, और यह हो गया हमारा, इधर यही हो गया। ठीक है, तो यह ऊपर वाला हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। यह जो बीच वाला इसका हिस्सा है यही हमारा क्या कहलाता है, शोल्डर। क्या कहलाता है भाई, शोल्डर कहलाता है। और जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है ना, इसी पे हमारा क्या कटा होता है, थ्रेड कटा होता है। यही जो दो लाइनें खींची गई है, लाइन का मतलब क्या है, थ्रेड से मतलब है, क्या है, थ्रेड है। तो यह हमारा क्या होता है, शोल्डर स्क्रू होता है। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इस पर थ्रेड कटा होता है, इसके ऊपर इसके अधिक डाया का एक पार्ट होता है, यह बीच वाला जो ऊपर हेड है, ऊपर हेड है, नीचे टेल है, टेल पे थ्रेड कटा हुआ, ऊपर हेड है हमारा, और जो बीच का इसका सैंक वाला भाग है ना, यह थ्रेड वाले भाग के अपेक्षा इसका व्यास अधिक होता है, और इसी भाग को हम लोग शोल्डर कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो शोल्डर कहते हैं। तो एक तरफ हेड हो गया, एक तरफ हमारा क्या हो गया, हेड हो गया, दूसरी तरफ थ्रेड हो गया, और बीच का जो भाग है या प्लेन वाला भाग, इसी को हम लोग बीच वाले प्लेन भाग को क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। और इसका जो व्यास देख रहे हैं, जो थ्रेड वाला भाग है उसकी अपेक्षा प्लेन भाग का डायमीटर ज्यादा है, और इसी को शोल्डर बोला जा रहा है। कहां यूज किया जाता है, तो कहीं मशीन में अगर हमें उसकी बॉडी में अलग से शाफ्ट की जरूरत हो, जिससे हमें गियर को चलाना हो, क्या करना हो, कोई रोलर हो, कोई गियर हो, उसको चलाना हो, तो वहां पे ऐसे पार्ट यूज करते हैं। जैसे देखिए यह मशीन की बॉडी है, अब ध्यान दीजिएगा, यह आपको समझ में आ गया ना, इसलिए मैंने यह फिगर ले रखा था। देखिए यहाँ पे यह क्या है, जो मैं यह एक मशीन की बॉडी है, क्या है हमारी भाई, मशीन की बॉडी है। देखिए यहाँ लिखा भी है मशीन की बॉडी, ठीक है, यह मशीन का बॉडी है यहाँ पे ना। तो मशीन की बॉडी में हमने क्या किया, एक होल बना दिया जिसमें थ्रेड कटा हुआ था। यह मशीन है, कोई बड़ी सी मशीन होगी, ठीक है, तो हमने एक हिस्सा आगे के लिए रखा है, कोई बड़ी सी मशीन है, तो यह मशीन का बॉडी था, तो मशीन की बॉडी में हमने क्या किया, यहाँ पे थ्रेड काट दिया, उस थ्रेड में इस शोल्डर स्क्रू को टाइट कर दिया गया, क्योंकि इसके अगले भाग में थ्रेड कटा हुआ है। देखिए थ्रेड वाला हिस्सा इस मशीन की बॉडी में टाइट हो गया। अब क्या हुआ, अब इसका बीच का हिस्सा या बच गया, जो प्लेन भाग था, पीछे हेड है, तो ये प्लेन भाग बचा ना, तो अब ये प्लेन भाग कहां, तो इसी प्लेन भाग को देखिए, ये रोलर या गियर हो सकता है, इस प्लेन भाग पे ये रोलर या गियर बिल्कुल आसानी से घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, ये रोलर या गियर में होल होगा, पहले हमारे शोल्डर स्क्रू को क्या करना पड़ेगा, इस रोलर या गियर के होल में डालेंगे, और फिर अगला जो इसका हिस्सा थ्रेड वाला, उसको मशीन की बॉडी में टाइट कर देंगे। तो इस तरह से अभी जो हमारा शोल्डर स्क्रू था, इसका बीच का जो प्लेन भाग था, यह एक शाफ्ट की तरह काम करने लगेगा, और यह जो रोलर या गियर होगा, इसके ऊपर आसानी से घूमने लगेगा। तो जहां पर हमें इस तरह से अस्थायी शाफ्ट की जरूरत पड़ती है मशीनों में, तो वहां पर मशीन की बॉडी में इस तरह से छिद्र बना जाता है, और शोल्डर स्क्रू लगा देते हैं, और स्क्रू का जो प्लेन भाग जिसको शोल्डर कहते हैं, उस पर हमारा कोई रोलर या गियर या पिनियन आसानी से घूम सकता है। देखिए पिनियन कोई अलग चीज नहीं है, पिनियन कोई अलग चीज नहीं है, जो हमारा स्क्रू होता है ना, सॉरी, जो हमारा शोल्डर स्क्रू है ना, तो इसमें जो गियर, गियर की बात कर रहा है ना, तो जो गियर होता है, अगर कभी भी दो गियर है, तो उसमें से हमेशा छोटे वाले गियर को पिनियन कहते हैं। पिनियन कोई अलग वर्ड नहीं है, पिनियन भी आपका गियर ही है, पर अगर मान लीजिए आपके पास दो गियर है, एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है, तो जो छोटा वाला गियर होता है ना, उसी को पिनियन बोला जाता है,
जो छोटा वाला गियर होता है उसी को पिनियन बोला जाता है। जब दो गियर रहेंगे तभी पिनियन की, सिंगल गियर रहेगा तो पिनियन की बात नहीं आएगी, जब दो गियर है तो जो छोटा वाला उसमें से गियर रहेगा वो पिनियन कहलाएगा। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन वालों के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी चीजें आप कंप्लीट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है? आप बस मैं जैसे जैसे कराता जा रहा हूँ, हाँ जो मैं आपको बता रखा हूँ कि जब भी क्लास करेंगे साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और आप खुद का नोट्स बनाएंगे। मैं ऐसा पीडीएफ तो दे ही दूंगा, लेकिन आपको पीडीएफ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप यही चीजें अपने कॉपी पे खुद से लिखिए और उसको पढ़ेंगे, तब आप ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लगभग क्लासेज का भी टाइम भी हो गया, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के जो इसके टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे, और नेक्स्ट में आपका स्क्रू वाला चैप्टर क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू।